रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं मंजूर नकीबी और अभी आपको इंशाल्लाह मैं डिटेल बताऊंगा 30 अप्रैल तक ओमान के कौन से इलाके में कितने केस हुए हैं और अगर कोई इलाका रह जाए, किसी का नाम ना लिया जाए, उसका नाम बताया जा सके तो आप कमेंट्स में मुझे पूछा करें, अपने इलाके का नाम बताया करें, मैं इंशाल्लाह उसकी डिटेल आपको बता दूंगा। अभी आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, जैसे आपको मैंने पहली वीडियो में बताया है कि उन्होंने बताया कि आज 74 न्यू केस हुए हैं और इन 74 में 39 जो है वो ओमानी हैं और 35 जो हैं वो रिहायशी हैं, यानी दूसरे मुल्क से यहाँ रिहायश पज़ीर हैं। और दूसरा आपको बताया कि आज एक और डेथ हो गई है ओमान में और अब टोटल डेथ जो है वो नंबर ओमान में चला गया है 11 पे, 11 लोगों की ओमान में डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। अभी मस्कत की आपको डिटेल बताता हूँ। मस्कत मतरा वाले इलाके में अभी तक जो है वो 1307 लोग जो हैं वहाँ पे कोविड-19 के मर्ज में मुबतला हैं और 7 वहाँ पे लोगों की डेथ हुई है। और जो सीप का इलाका है यहाँ पे 188 लोगों में कोविड-19 का मर्ज पाया गया है। कुरियात में 2 लोग हैं और इसके अलावा बोशर में 126 लोग हैं और जो सेंट्रल मस्कत है वहाँ पे 14 केस हैं और अमारात में 31 केस हैं। ये मस्कत का जो पूरा इलाका है इसकी डिटेल है, बाकी इलाकों की डिटेल आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई रह जाए तो आपसे मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा कि उस इलाके में कितने मरीज़ हैं। सलाला में अब तक 15 मरीज़ हैं। ये जालान का इलाका जो है इसमें बू हसन भी है और लश्करा भी है, अलकांबल भी है। यहाँ पे आज 4 नए केस हुए हैं और अब तक यहाँ की 121 तादाद है जो लोग यहाँ पे मरीज़ हैं और 17 लोग आज यहाँ पे ठीक भी हुए हैं। सूर में अभी तक 9 केस हैं, बदिया में 4 केस हैं, कुरियात में आपको बताया 2 केस हैं और इसके अलावा इब्रा में अभी तक 33 केस हैं, निजवा में 57 केस हैं, बरका में 120 केस हैं और रुस्ताक में आज 13 नए केस हुए हैं और 255 टोटल केस हैं। सोहार में 98 केस हैं, आज 4 नए हुए। मुसंदम में 5 टोटल केस हैं और इन 5 में से 4 खुसाब में हैं। मज़ीद अगर आपको किसी भी शेयर की डिटेल चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आप जो पूछेंगे वो आपको बताया जाएगा। आप कौन से इलाके का पूछेंगे, कौन सी मालूमात आप पूछेंगे, जो मुझे पता होगी इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा।